वेलकम बैक टू माई चैनल बेनर्जी मंत्रा। तो आज एक रिएक्शन वीडियो है। हम लोग ने कुछ दिनों से कई यूट्यूबर्स के फंक्शंस देखे हैं, काफ़ी कुछ देख रहे हैं। एक यूट्यूबर कोई भी फंक्शन कर लेता है अपने घर में और फिर सारे बड़े यूट्यूबर्स को बुलाता है, उसमें कई लोग जाते हैं, कई लोग रील्स बनाते हैं, कई लोग वीडियोस बनाते हैं और उन बड़े यूट्यूबर्स को अपनी वीडियोस पे लेने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम लोग ने ये चीज़ गौर की है कि ये एक जैसे कहते हैं ना कि पारंपरिक फंक्शन की बजाय यूट्यूबर्स का जो गेट टुगेदर होता है वो बन जाता है। तो इस पर मैंने एक आध क्रिएटर्स पर वीडियोज़ पहले भी बनाई हुई है, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं कि कुछ लोग जो है इन फंक्शंस पे जाते हैं, मतलब दूसरे क्रिएटर्स के उसमें जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाएंगे, किसी के बेबी शावर फंक्शन में जाएंगे, लेकिन अपने घर के किसी भी वैसे ही फंक्शन पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है जाने का। बात करते हैं अंकुश सक्सेना की। और ये जो है ऐसे क्रिएटर हैं जिनको अगर किसी यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर ने सिर्फ एक बार भी फ़ोन पर कह देना आ जाना, कह दिया कि आ जाना, तो ये जो है सारा काम छोड़ के वहाँ पहुँच जाते हैं। नाचते गाते हर जगह वो आपको वहाँ मिल जाएंगे, हमेशा नाचते मिल जाएंगे हर जगह, जहाँ इनकी ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी के बेबी शावर है जहाँ इनकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ इनकी बीवी नहीं गई है, वहाँ भी ये पहुँच जाते हैं, वहाँ भी ये पहुँच जाते हैं। बीवी जाए ना जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन ये पहुँच जाते हैं। और फिर होता है इनका इस टाइम 700-800 सब्सक्राइब, लाख 7-8 लाख सब्सक्राइबर का जो भी है वो इतना ज़्यादा दिमाग पे घमंड चढ़ाया कि फिर ये ऐसी कोई हरकत कर डालते हैं जो कंट्रोवर्सियल हो जाती है। या तो ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के करते हैं, क्योंकि इनको ये दिमाग में ये भरा होगा कि कंट्रोवर्सी करके ही हम व्लॉगर्स जो है वो आगे बढ़ सकते हैं या कर सकते हैं। मेन मोटिव इनका क्या होता है वो हम आपको बताएं। अभी कुछ दिन पहले इनकी खुद की वीडियो देखी थी इनके चैनल पर, जिनमें इनकी माँ लिटरली रो रही थी, काफ़ी ज़्यादा रो रही थी इनके व्यवहार से। इन ये दूसरे किसी बड़े यूट्यूबर के बर्थडे पार्टी में जाके खूब सारे दो दो तीन तीन तरह के गिफ्ट ले जाके वहाँ पे खूब नाचना गाना, पता नहीं क्या इनको मज़ा मिलता है, हर जगह जाके कमर मटका लेते और यही सब करते नजर आए थे। लेकिन घर में इनकी बहन के बच्चों का बर्थडे था और वहाँ पर जाने के लिए माँ को गुजारिश करनी पड़ रही थी और नहीं जा रहे थे, जवाब तलब कर रहे थे माँ लिटरली। वो वीडियो पर इन्होंने कैप्चर भी किया था। अच्छा, हो सकता है, बहुत लोगों ने कहा कि स्क्रिप्टेड हो सकता है, क्योंकि ये अगर चाहते तो ना दिखाते, लेकिन व्लॉगर्स का आज का ये है ना कि रोना, हंसना, हगना, मुतना, सब कुछ दिखाना है, सब कुछ। कोई भी चीज़ प्राइवेसी नाम की चीज़ रहने गई है इनके जीवन में। इनको पैसे कमाने की ऐसी होड़ हो गई है, अगर जो वायरल हो जाते हैं तो वो इस तरह के चीज़ें करते हैं कि खाली वायरल एक बार दो बार होना नहीं होता है, और चाहिए और चाहिए। ये जो और चाहिए का जुनून होता है वो उनको इस हद तक ले जाता है जो वो क्या से क्या गुजर कर लेते हैं। माँ रो रही है लिटरली कि दूसरों के बर्थडे पार्टी में तो जाके तुमने ये किया वो किया, और घर के बर्थडे पार्टी में भांजी रो रही, बहन रो रही, बिलख रही है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं। इन्होंने उस वीडियो पे जवाब दिया, हाँ तो वो तो मेरा काम था। अब आप समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया होगा कि शायद वो अपनी खुशियां मनाने के लिए, खुशियां बांटने के लिए बुलाए होंगे, उनके यहाँ जाना इसको खुशियां सेलिब्रेट करने का नहीं था, बर्थडे सेलिब्रेट करने का नहीं था, इनकी मंशा अपना काम था कि वहां पे जाके मैं जो है सबको अपने वीडियो पे कैप्चर करूंगा, जो जो यूट्यूबर्स आए हैं उनकी भी सब्सक्राइबर्स हमको मिल जाएंगे, यही इनका मेन मोटिव था। और वहां जाके ऐसा दिखाते हैं, अरे दीदी आपसे अच्छा तो फलाना दीदी, धमाका दीदी, धमाका दीदी, और सबके साथ जो है कमर मटका के नाच के चले आते हैं। एक तो हर जगह कोई एक फ़ोन भर कर दे कि आ जाना, मतलब इनको कोई अपना वो नहीं है कि हमारी भी कोई मतलब वैल्यूज़ है, हर जगह आपको पहुंच जाएंगे सिर्फ चैनल प्रमोट करने के लिए। अभी हाल ही में इनकी कंट्रोवर्सी ये घर वाली हुई, वहाँ पे ये कहते नजारे वो तो मेरा काम था, मतलब जिस यूट्यूबर के बर्थडे पार्टी में ये गए थे बच्चे के, वहाँ पे वो सेलिब्रेट करने नहीं गए थे, उनकी खुशियों में शामिल होने नहीं गए थे, वहाँ पे इसको अपना काम समझ के गए थे, अपनी जॉब समझ के कि कैसे मुझे बस वो आया है, बीवी जाए ना जाए मैं पहुँच जाऊँ और वहाँ पे जाके सबको कैप्चर करके अपने मतलब अपने व्लॉग्स में दे दूं और सबके साथ नाच नाच के अपनी शॉर्ट्स डाल दूं, जिससे लोगों को पता चले मैं इनके साथ मिलता हूँ। मैं इनके मेन मोटिव इनका यही था, बर्थडे सेलिब्रेट करने का या उनकी खुशियों में शामिल होने का नहीं था। दूसरी चीज़, अभी दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी उनके साथ ये हुई, अभी मिस्टी के उसमें भी ये घुस गए थे, जिसकी वजह से इनको फिर लताड़ मिली थी कि उनके मैटर में भी घुस गए थे कि उनका किसी से कुछ मैटर हुआ, उसमें भी ये बीच में कूद के नजर आए, लेके व्लॉगिंग करते और बीच में कूदते, जिसमें उन्होंने भी इनको खरी खोटी सुनाई। दूसरी चीज़, अभी अगर आप लोगों ने दूसरा जो इनका दिखा होगा विजय रिया व्लॉग का, उनके साथ भी कंट्रोवर्सी इन्होंने कर दी, उनके साथ भी पंगा हो गया। वो एक सीधे साधे गांव के हैं, मानते हैं क्या गांव के लोग इंसान नहीं होते, उनको बार बार उस पार्टी में किस मिलने पर गांव के हैं, गांव के हैं, गांव के हैं, तो उन्होंने
काफी हद तक उनको इंसल्ट की फीलिंग हुई होगी, जिस वजह से ये चीज हमने अभी कुछ दिन पहले भी देखी थी, हमने अभी स्टेज पे भी देखी थी, जिसमें ये भी गए थे, हम देखे दूसरे यूट्यूबर्स से, हमें कोई वो नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसलिए हम उनका, लेकिन उनके फंक्शन पे ये विजय जो है रिया व्लॉग भी गए थे, और विजय रिया व्लॉग के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया, मिस्टू मिस्टी के व्लॉग के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया। मिस्टू पहले, सबसे पहले बात करते हैं मिस्टू मिस्टी व्लॉग के साथ, उनके साथ इन्होंने उन्होंने अपनी एक वीडियो डाली कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो इन्होंने कमेंट में पता है क्या कहा कि अरे वीडियो नहीं बनाओगे तो ईएमआई कैसे भरोगे, मतलब इनको इतना घमंड है, इनको जरूर पता है कि वो वीडियो नहीं बनाएगा तो शायद भूखे मर जाएगा या ईएमआई नहीं भर पाएगा, इनको किसी भी इंसान की बेइज्जती करने में एक मिनट नहीं लगता और ये तुरंत कर देते हैं, और उसको रफा दफा करने के लिए मुझे मजाक की बहुत आदत है, तो अपना मजाक बनाया कर, तो अपना मजाक बना और वीडियो बना के डाल, दूसरे का मजाक बनाने का हक किसी ने नहीं दिया है। दूसरी एक बार इन्होंने विजय रिया ब्लॉग के साथ किया, एक सीधा साधा गांव का इंसान जो बिल्कुल हम कहते हैं ना कि जीरो से उसने इतनी मेहनत की है, जो आज वो खड़े हुआ है जीरो से, उसके ब्लॉग्स में सच्चाई नजर आती है, उनके साथ इसने उस पार्टी में बहुत बुरा किया। सबसे पहले आप लोग विजय रिया ब्लॉग का देख लीजिएगा, आज की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें उन्होंने पूरे शूट की हुई क्लिप भी डाली है कि अरे इसको किसने बुला लिया इस पार्टी में, गांव वाले के साथ बैठा नहीं जाता, सर पकड़ के गांव वाले के साथ बैठा दिया मुझे, फिर अरे क्या हुआ भाई, विजय ने उनके ऐसे हाथ रख के पैर पैर, क्या हुआ भाई, इसने उसका हाथ उठा के यूं झटक दिया और साइड हट गया कि गांव वाला है, गांव वाले को क्यों बुला लिया, मुझे गांव वाले के साथ बैठ के बहुत बुरा लग रहा है, ये डायलॉग मारा। अब आप सिर्फ ये बता दीजिए कि ये इतना घमंड किसी को होता है, अगर आज यूट्यूब बंद हो जाए ना तो ये सब भीख मांगने की नौबत पे आ जाएंगे, जिनका घर यूट्यूब से चलता हो, जिनका जो यूट्यूब के लिए कुछ हद तक जा सकते हैं, माँ को रुला के वीडियो बना सकते हैं, अपनी माँ को रुला के जो वीडियो बना रहा था उसमें कहा कि तुम्हारी बीवी भी हमको ताना दे रही, माँ ने कहा तो कहा तुम काम ही ऐसा करती हो, तुम उसी के नाम लगाती हो, उसी के बीच में उसी को बोलती रहती हो, जो बेटा अपने माँ को पलट के बीवी के लिए जवाब दे सकता हो, हमको तो ये कहते हैं शर्म आती हो कि भाई ऐसी माँ कैसे गुजारा कर रही होगी, बीवी इसको कुछ भी ताने मारे इसको कोई वो नहीं लगता, क्योंकि इसको सिर्फ पैसा, सिर्फ व्लॉगिंग, सिर्फ पैसा, सिर्फ व्लॉगिंग, और इसने इसमें जो है अब की बार हद पार कर दी। अब ये सफाई देता फिर रहा है कि मेरे मजाक की आदत है, मेरी मजाक की आदत है, तो मजाक की जिसको आदत होती है वो अपने घर की बेइज्जती दिखा, जैसे अपने भाई माँ की तो उन्हें रोते दिखा दी, भाई बीवी की बेइज्जती दिखा दी, किसी क्या बताओ, वो है गोद भराई की फंक्शन है जिसका, बेबी शावर की फंक्शन है, बीवी जा ना रह जा रही हो, ये पहुँच जाता है सिर्फ ब्लॉग में उन सबको बटोरने के लिए, इस तरह की आदत है, और नाम होता है सफाई देता है कि मेरी मजाक की आदत है, ये मजाक की आदत, मजाक की आदत एक हद तक अच्छी होती, किसी को नीचा दिखाने के लिए मजाक की आदत अच्छी नहीं होती है, आज काफ़ी हद तक खाली सिर्फ उसको कमेंट्स में उलटपटांग किया था विजय, तो आज विजय रिया ब्लॉग वालों ने क्लियर किया है कि एक कमेंट के बूते में ऐसा नहीं कह रहे, उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, और यही चीज़ इसकी पोल जो है मिस्टू मिस्टी ने भी खोली थी, सब कोई से इस समय ये पंगा करता फिर रहा है, शायद कंट्रोवर्सी करके अपना चैनल और आगे बढ़ाना चाह रहा हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि अब पोल खुल रही है, अब सब लोग मुंह खोल रहे हैं, सारे लोग मुंह खोल रहे हैं, अब इनके सपोर्ट में चाहे जो बड़े यूट्यूबर्स आ जाए मेरी बला से, किसी की भी बला से कोई भी आ जाए, कोई वो नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, एक इंसान को अगर गरीबी से उठ के वो आज उसने मेहनत से बना है ना तो उसका ज़्यादा मान है, गांव वालों को जानते क्या हो, हर कोई गांव वाले, अगर गांव वाला ना हो तो अन्न ना मिले, जो बैठ बैठ के ठूस रहे हैं लोग ये गांव वालों की वजह से है, जो वो अनाज उगाते हैं वो ही अनाज मार्केट से खरीद के खाया जाता है, अगर उन लोग वो लोग अनाज उगाना बंद कर देना, साल भर हड़ताल कर दे तो ये अनाज खाने की भी भूखे मरने की भी नौबत आ जाएगी, गांव वाला कह के किसी को बेइज्जत करना हम लोग इसके खिलाफ हैं, और आज हम अपने चैनल के माध्यम से विजय रिया व्लॉग्स के सपोर्ट करते हैं। अंकुश सक्सेना को ये कहना चाहते हैं कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी वीडियो बना के कि आपने ये गलत किया, सबके साथ आपने ये गलत किया, एक तो पता नहीं ये बंदा नहीं समझ में आता है, जरा सा कोई फ़ोन पे बुला दे फलानी फंक्शन आ जाना, ये दौड़ के सबसे पहले पहुंच जाता है, सबसे पहले बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्रिएटर्स बाद में जाते हैं वहाँ जाके देखते हैं सबसे पहले पसरा बैठा है, आज उसके कभी उसके थोड़ी देर में उसके साथ नाच रहा है, कहीं उसके साथ नाच रहा है, कहीं उसके साथ नाच नाच के रील डाल रहा है, यही इसका बस काम है नाचते फिरना, और उसके बाद ऐसा नाचता फिरता है कि दूसरों के ज़िंदगी में आग लगाने की कोशिश कर देता है, तो मुझे ये लगता है इसीलिए कि हमें विजय रिया व्लॉग्स का सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग की क्या राय है, क्या ऐसी हरकतें बर्दाश्त की जा सकती हैं किसी गरीब को, गरीब कोई नहीं होता है, यूट्यूब पे है और अपना कमा रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, गरीब कोई नहीं होता है, किसान है वो,
जमीन है, गांव वाला है। गांव वाला तो बहुत इज्जत की बात होती है, जिनके पास जमीनें होती हैं, जिनके जो गांव वाले नहीं होते। हम लोग शहरी वाले हैं तो हम लोग को बस वही जो सैलरी है, पेंशन है, उसी पे गुजारा करना है। गांव वालों के पास सब कुछ चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सारी सिक्योरिटी होती है, सब कुछ होती है। वही अपना घर का अनाज उगा के खाते हैं और क्या चाहिए। इससे ज़्यादा प्योरिटी खाने में और उसमें क्या होती है, वैसे ही उनका दिल भी प्योर होता है। तुम लोग की तरह, इन लोग की तरह वैसा नहीं होता है कि बस किसी को कैसे अपमान कर दे, किसी को कैसे सुना दे, किसी की इंसल्ट कर दे, किसी के ये कर दे। वो सच्चा इंसान है, इसलिए आज हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।